अस्सलामुअलैकुम। अभी अम्बरनाथ में है, जैसा कि आप हम हमारी फैमिली है, सुख दुख आप के साथ हम शेयर करते हैं हमेशा, तो मैंने सोचा कि मैं ही आप सबको बता दूं कि कल रात में आसिफ आपकी अम्मी का इंतकाल हो चुका है। और कल की रात बहुत ही ज़्यादा बहुत बुरी गुजरी है हमारी, बहुत कुछ मत पूछो आप। ये आसिफा को तो बिल्कुल ही होश में नहीं थी, बेहोशी हो गई थी वो तो बिल्कुल ही। और मैं समझ सकता हूँ अम्मी के होने का गम क्या होता है, लेकिन मैंने उससे कहा कि जब एक महीने पहले अम्मी का इंतकाल हुआ था तो तुमने भी मुझे समझाया था कि सब्र रखना पड़ता है और बिल्कुल सब कुछ, यानी तो मैंने भी इसी तरीके से मैंने भी समझाने की कोशिश करी उनको, लेकिन इस टाइम पर वो कुछ होश में नहीं थी बिल्कुल, और मेरा भी दिमाग ऐसे ही हो रहा था। पूरी रात ऐसे ही हो गया हमको, हम 3:30 वही निकले वहाँ से मुरैना के लिए। वो तो जब बोल रही थी कि रात में चलो, अब रात में यानी कोई बस वगैरह तो जाती नहीं है और रात में गाड़ी भी नहीं हो पाती थी जल्दी, तो 3:30 बजे कॉल करा हुआ गाड़ी के लिए, तो 4 बजे गाड़ी हो गई थी हमारी फोर व्हीलर, और हम यहाँ पर 7:30 बजे आ गए थे। क्या मैंने बोला कि यानी अब अल्लाह की मर्जी के आगे अब क्या हो सकता है, उसने जो लिख दिया है अल्लाह ताला वो कोई नहीं मिटा सकता, जो जिसकी जितनी है इतना इंसान जीता है। मैंने जी समझ लिया, मैंने भी जी इसको समझाने की कोशिश करी, और वो बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी, 1.5 साल हो गया था उनको, और अभी हम मिलके आए थे उनको, कुछ दिन पहले हम उनसे मिलके आए, और अब ऐसा पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। हम सोच रहे थे यानी कि हम जाने वाले थे उनके पास, अचानक ऐसा फ़ोन ही आ गया फिर से कि वही वाक्य सामने आ गया जो झांसी में हुआ था अम्मी के साथ, ऐसे ही बिल्कुल जी अम्मी के साथ हमारा ऐसा हो गया। अभी भी यानी वो कुछ होश में नहीं है, बिल्कुल रो रो के उनने यानी आंखें सूज गई उनकी, गुलफसा की बेचारी एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको। तो मैंने बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग, सब्र रखना पड़ता है। देखो अपन इंसान कोशिश ही कर सकता है और क्या कर सकता है, आप बताइए। मैंने उनसे ये कहा कि देखो आगे की सोचो, जो भी है अब अपन बच्चों के लिए, जो भी छोटे छोटे बच्चे तो मैं बोल उनके भी छोटे बच्चे हैं, अपने भी छोटे बच्चे हैं, अपन उनके लिए करेंगे सब कुछ, अपन उनको संभालेंगे, है ना। मैंने उनको बताया सब समझाया, और गलत साहब को भी समझाया मैंने, हाँ कि हम भी तो माँ बाप ही हैं, आप बड़े हैं, हम भी माँ बाप ही हैं तुम्हारे, कोई वो वाली बात मत सोचो, हम तो हैंगे ना, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, इतने बस जी था कि यानी 1 महीने के अंदर ही ऐसा फिर से एक और हादसा, इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था ऐसा कुछ। आप लोग उनको समझाना, आप ही हमारी फैमिली हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बोलना समझाना कि सब्र रखना पड़ता है। मैंने भी बहुत कोशिश करी उनको समझाने की, और आप लोगों से मगफिरत की दुआ की गुजारिश है आसिफा की अम्मी के लिए। आप सब दुआ करना, अल्लाह ताला को जन्नत अता फरमा।